गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 छोटूस हाउस। इस चैप्टर में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हाउस एंड होम के बीच का डिफरेंस, टाइप्स ऑफ हाउसेस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाउस। अब हम पढ़ेंगे द फैमिली मेंबर्स विद अस, द पीपल हु लिव्स विद अस एट आवर होम इन आवर हाउस। द फैमिली मेंबर्स, हमारे साथ हमारे परिवार में हमारे घर में कौन कौन रहता है? पेरेंट्स, हमारे मम्मा पापा, ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी, अंकल आंट। अंकल आंट में चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, बुआ जी फूफा जी, मामा जी मामी जी, मौसा जी मासी जी, ये सब हो सकते हैं। कोई भी कजन्स, हमारे अंकल आंट के जो भी बच्चे हैं वो सिबलिंग्स, मतलब हमारे भाई बहन, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हमारे दोस्त हमारे घर पे आकर रह भी सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। पेट एनिमल, जो हमारे जिनको हम पालते हैं, जैसे कि कैट डॉग, इन सबको हम पालते हैं। मोस्टली घरों में जानवर पाले जाते हैं, काओ या बफलो भी हो सकती है, इट कुड बी अ हॉर्स और अ बर्ड। बहुत लोग पक्षी भी पालते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पैरोज और पैरट। तो ये सब हो गए, ये सब फैमिली मेंबर्स हैं जो हमारी इच्छा से हमारे साथ रहते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हम अटैच्ड होते हैं। लेकिन हमारी फैमिली में, हमारे घर में बहुत सारे लोग, बहुत सारी एनिमल्स या इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम नहीं चाहते वो हमारे घर में है। हम उन्हें इनवाइट नहीं करते, हम उन्हें बुलाते नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे घर में बिना बुलाए रहते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो हैं अनवांटेड गेस्ट और एनिमल्स, जिनको बिना बुलाए, अनइनवाइटेड गेस्ट्स, जो हम बुलाते नहीं हैं लेकिन वो फिर भी हमारे घर में हर टाइम प्रेजेंट होते हैं। मॉस्किटो, मच्छर, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, स्पाइडर, लिजर्ड, रैट, बेडबग एंड आंट्स। मॉस्किटोज, मच्छर, आप देखते हैं हर मौसम में मच्छर पाए जाते हैं, किसी मौसम में ज्यादा होते हैं तो किसी में कम। तो मच्छर होते हैं, मच्छर घर में रहने से हमें काट लेते, कई तरह की बीमारियां हो जाती, कोई नहीं चाहता उनके घर में, हमारे घर में मच्छर हो। हम क्या इनवाइट करते हैं उन्हें, कि फिर भी वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में अपने आप ही आ जाते हैं बाहर से, जैसे खिड़की खुली दरवाजा खुला वो एंटर कर लेते हैं। देन हाउस फ्लाई, मक्खी, अक्सर आपने किचन या खाने के आसपास आपको मक्खियां बिनबिनाती हुई मिल जाती हैं, तो ये भी अनइनवाइटेड होती हैं, कहीं भी उड़कर किसी भी रूम में कहीं पर भी आ जाती हैं। देन आंट्स, चींटियां, बारिश के मौसम में अक्सर ज्यादा होती हैं चींटियां, खाने पर, मीठे खाने पर आती हैं और कहीं से भी, फर्श में से, दीवारों में से, कहीं से भी निकल के आ जाती हैं चींटियां, हमें पता भी नहीं चलता। और हमारे किस कोने, घर के किस कोने से निकलती हैं पता नहीं चलता, उनके निकलने के बाद ही उनकी प्रेजेंस का पता चलता है हमें। देन स्पाइडर, स्पाइडर आप सबने देखी है, उनका स्पाइडर का वेब देखा है, जाला, जिस अगर कुछ दिन हम ध्यान ना दे तो अक्सर दीवार पे जाले लग जाते हैं। वो क्या, कौन बनाता है? स्पाइडर ही बनाती है। अलग अलग टाइप की स्पाइडर्स होती हैं और मेनली सब उनका काम क्या होता है, जाला बनाना ही होता है। जहां पर अगर थोड़ी सी भी सफाई में हम थोड़ा डिले कर देते हैं, वहीं पर ये स्पाइडर जाले बना देती हैं। रैट, नेक्स्ट इज रैट, चूहे, चूहे बाहर से कहीं से भी आ जाते हैं, हम
घर की चीजों को कुतर देते हैं, घर के खाने को वेस्ट कर देते हैं। हम नहीं चाहते, हम घर में उनके घर के में आने से बहुत परेशानियां भी होती हैं, जिनको हमें रेड ट्रैप लगा के उन्हें पकड़ के बाहर छोड़ के आना पड़ता है, लेकिन अक्सर हमारे घर में वो विजिट करते ही रहते हैं। कॉकरोच, ये जहाँ पर गंदगी ज्यादा होती है, जैसे कि किचन के सिंक के पाइप या टॉयलेट्स में अक्सर कॉकरोच पाए जाते हैं। लिजर्ड, लिजर्ड तो आप सबने देखी है, अपने घर में दीवारों पर लिजर्ड होती है।